नमस्कार दोस्तों, फोर डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ तंदूरी चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी। इस तरीके से आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो रेसिपी देखिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं, और आज के लाइक का गोल रखते हैं 500। तो आज के रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे होल चिकन लेग पीस ले लिया है 4 पीस, और इस तरीके से मैंने 4 कट लगा लिया है जिससे मसाले अंदर तक अच्छे से जाए। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 पीस लिया है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे नमक स्वादानुसार। साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे 1 नींबू का रस, 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छे से हम मिक्स करेंगे सभी लेग पीस में, और कम से कम 1 घंटे हम रेस्ट के लिए रखेंगे। तो अच्छे से सभी पीस में हम मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक सब लगाएंगे। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, अब हम ढक के रेस्ट के लिए रखेंगे 1 घंटे, और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। 1 घंटे बाद एक बाउल ले लेंगे, और उसमें हम डालेंगे 3 चम्मच दही। इसमें हम कुछ ड्राई मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले दही में डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, डालेंगे हम यहाँ पे 1.5 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है, लेकिन इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, और डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर। चाट मसाला डालेंगे हम 1 चम्मच, 1/2 चम्मच डालेंगे हम ब्लैक पेपर पाउडर, और बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे हम नमक। पहले भी हमने नमक डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे नमक। थोड़ा सा हम यहाँ पे डालेंगे फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो स्किप कर सकते हो, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। डालेंगे हम यहाँ पे 4 चम्मच तेल, और अच्छे से मसाले को हम मिक्स करेंगे। तो करीब 4 चम्मच डालना है हमें। तेल डालने के बाद हम अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे। और फिर से हम चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे कम से कम 2 घंटे। एक चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला, साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे कसूरी मेथी 1 चम्मच, रोस्टेड है, हल्का तवे में मैंने रोस्ट कर लिया है, थोड़ा सा क्रश करते हुए हम डालेंगे। और फिर से एक बार मिक्स करेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम यहाँ पे जो पहले से चिकन को मैरिनेट करके रखे थे वो इसमें डालेंगे, और अच्छे से मसाले हम लगाते रहेंगे। तो पहले मैं 2 डालने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी, उसके बाद हम बाकी जो 2 पीस है वो डालेंगे। अच्छे से इस तरीके से हम दोनों तरफ मसाले को मिक्स करेंगे। बाकी जो 2 पीस है वो भी डालेंगे। इस तरीके से आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये रोटी के साथ, आप रुमाली रोटी के साथ इसे खा सकते हो। चारों पीस में हम अच्छे से मसाले
लगाएंगे। तो अच्छे से मैंने चारों पीस में मसाले मिक्स कर लिया है। अब हम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक टुकड़ा कोयला को जला लेंगे अच्छे से और एक कटोरी के ऊपर रखेंगे। डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा घी, और इसे हम कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम कटोरी को बाहर निकाल लेंगे कोयला वाला, और इसे हम फिर से मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे कीजिएगा, नहीं तो कम से कम आपको 1 घंटे इसे मैरिनेट के लिए रखना है। तो आधे घंटे बाद हमें कटोरी को निकाल के फिर से इसे 1.5 घंटे मैरिनेट करना है। 2 घंटे हो गए चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब हम पैन में डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल और डालेंगे 2 चम्मच बटर। डालेंगे हम 2 चम्मच बटर। बटर को हम पहले मेल्ट कर लेंगे। बटर हमारा जैसे ही मेल्ट हो जाए हम यहाँ पे डालेंगे चिकन। गैस का फ्लेम हम लो मीडियम करेंगे और लो मीडियम फ्लेम में हमें साइड चेंज करते हुए इसे फ्राई करना है। एक बाड़ी में चारों पीस हमारा आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट एक तरफ होने देंगे, उसके बाद हम साइड चेंज करते रहेंगे। 2 मिनट बाद हम एक बार पलट देंगे सभी पीस को। बस हमें हाई फ्लेम में इसे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा। बस हमें लो मीडियम फ्लेम में साइड चेंज करते रहना है 2 से 3 मिनट बाद बाद। 2-3 मिनट बाद फिर से एक बार हम साइड चेंज करेंगे। फिर से होने देंगे हम इस तरफ 3-4 मिनट। बीच बीच में हम जो मसाले हैं नीचे उसे स्पैचुला से चलाते रहेंगे, नहीं तो मसाले हमारा जल सकता है। मैंने एक बार फिर से साइड चेंज कर दिया था और 8-10 मिनट हो गए हमें इसे फ्राई करते हुए, लेकिन ये पूरी तरीके से अभी फ्राई नहीं हुआ है, तो इसे हमें और 4-5 मिनट पलट पलट के फ्राई करना है। तो एक बार हम फिर से पलट देंगे। और चिकन लेग पीस को आप जितना देर मैरिनेट करके रखोगे उतने अच्छे से ये जूसी बनके तैयार होगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम तक इसे मैरिनेट करके रख सकते हो। 15 मिनट हो गए हमें फ्राई करते हुए और दोनों तरफ से अच्छे से हमारा चिकन फ्राई हो गया है। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है और चिकन भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो निकाल लेंगे हम। देखिए अब हम पैन में डालेंगे 1/2 चम्मच बटर और जो मसाले हमारा रह गया था वो मसाले को हम 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। मसाले को हम फेंकेंगे नहीं। तो गैस का फ्लेम मीडियम करके अच्छे से मसाले को हम कुछ देर भूनेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम करके हम मसाले को 1-2 मिनट भूनेंगे, जब तक साइड से तेल अलग ना हो जाए। मसाले हमारा अच्छे से भून गया है, आप देख सकते हो पूरी तरीके से मसाले ड्राई हो गया है और साइड से तेल अलग भी दिख रहा है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे
और मसाले को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे जो हमने चिकन फ्राई करके रखे थे उस प्लेट में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप तंदूरी चिकन बना के ज़रूर देखेगा, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो रेसिपी बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।